ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् ॐ अज्ञान्तिवरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सह गजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सागदेतं सागदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरत्स्वे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्रश्च कृपा सिंधुवैव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीयै तुरयो कथितो यदावरु नाभिस्तथा पञ्चमैव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोपितु द्वादशेव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारं अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम्
हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के षष्ठम स्कंद के चतुर्दश अध्याय के श्लोक संख्या 30 से लेकर 40 तक दिक् प्रजाम स्त्रियं पापां पत्युश्चाग्रह संयतां पत्युश्चाग्रह सम्मतां सुप्रजाबे सत्पत्नीभिः दासीम्यवातिरस्कृतां दिक् धिक्कार है अप्रजाम पुत्रहीना स्त्रियम स्त्री को पापाम पाप कर्मों से पूर्ण पत्युः पति के द्वारा च भी अग्रह सम्मताम जिसका घर में अनादर हो अनादृत सुप्रजा भी पुत्रवती सपत्नी भी सौतों के द्वारा दासीम दासी नौकरानी इव के समान तिरस्कृताम तिरस्कृत अनादृत जिस पत्नी के पुत्र नहीं होते वह घर में अपने पति द्वारा उपेक्षित रहती है और सौतों द्वारा दासी के समान अनादृत होती है। निश्चय ही ऐसी स्त्री अपने पापी जीवन के कारण सब तरह से धिक्कारी जाती है। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए। जिस पत्नी के पुत्र नहीं होते वह घर में अपने पति द्वारा उपेक्षित रहती है और सौतों द्वारा दासी के समान अनादृत होती है। निश्चय ही ऐसी स्त्री अपने पापी जीवन के कारण सब तरह से धिक्कारी जाती है। तात्पर्य जैसा कि चाणक्य पंडित ने कहा है माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। जिस मनुष्य के घर में माता ना हो जिस मनुष्य के घर में माता ना हो जिसकी पत्नी मृदुभाषी ना हो उसे चाहिए कि वह जंगल में चला जाए। ऐसे मनुष्य के लिए घर में रहना तथा जंगल में रहना एक समान है। इसी प्रकार जिस स्त्री को पुत्र ना हो और जिसका पति द्वारा ध्यान ना दिया जाता हो तथा जिसकी सौतें उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करके उसकी उपेक्षा करती हों उसके लिए घर में रहने की अपेक्षा जंगल में जाकर रहना श्रेष्ठकर है। आज बहुत सारे श्लोक रहे फिर भी मैं अपनी सीमित बुद्धि से जो प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम यहाँ पर सभी उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवियाँ मुझे कृपा प्रदान करें कि जिससे श्रीमद् भागवतम का सही विचार विमर्श प्रस्तुत हो। आज सबसे पहले पिछली बार जो मैंने व्याख्यान दिया था उसमें एक मैंने त्रुटिपूर्ण वाक्य कह दिया था। मैंने कहा था कि जब सृष्टि होती है जब सृष्टि का प्रारंभ काल होता है तो हर एक पहला जब मनमंत्र होता है तो उसमें भगवान ही इंद्र बनते हैं और भगवान ही ब्रह्मा बनते हैं। ऐसा मेरे द्वारा एक गलत कथन कहा गया था उसको मैं सही करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसा हमेशा नहीं होता। जब कभी पूरी सृष्टि में कोई भी जीव ब्रह्मा अथवा इंद्र बनने के पद के योग्य नहीं होता ब्रह्मा पद और इंद्र पद के योग्य नहीं होता तब भगवान
अपना विस्तार करते हैं इंद्र रूप से और ब्रह्मा रूप से। हर बार ऐसा नहीं होता। अब जीव भ्रम प्रमाद विप्रसा करना पाठों से ग्रस्त रहता है तो कभी कभी भ्रम हो जाता है, तो इसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। आज हम इस परिप्रेक्ष्य में जो ये चल रहा है अध्याय कि राजा चित्रकेतु का शोक, वास्तव में अगर इस अध्याय के प्रारंभ में देखा जाए तो ये प्रश्न उठता है परीक्षित महाराज के मन में कि जो श्री व्रत हैं व्रत महाराज, वो तो एक तमोगुणी योनि को प्राप्त व्यक्ति हैं, उनके अंदर इतना गंभीर भगवान के प्रति भक्ति का जो भाव है वो कैसे प्रकट हुआ। सामान्य स्थिति में जैसे व्यक्ति के अंदर कोई उद्वेग ना हो, कोई प्रताड़ित ना कर रहा हो या फिर कोई संकट ना हो तो भक्तों का मन भी भगवान में स्थिर रहता है, लेकिन जब कभी संकट आ जाता है तो भक्ति से वो च्युत हो जाते हैं, भगवान में स्मरण कम रहता है। लेकिन व्रत का तो ऐसा देखा गया कि युद्ध काल में जब इंद्र सामने उपस्थित हैं और इंद्र हाथ में वज्र लिए हुए हैं तो भी उनको भगवत स्मरण हो रहा है, है ना। और सुंदर सुंदर उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं भगवान की, एकादश अध्याय में हम देख चुके हैं इसमें। तो ऐसा कैसे संभव हुआ कि व्रत को युद्ध काल में असुर योनि प्राप्त होने पर भी उनको सतत भगवत स्मरण है, ये कैसे संभव हुआ। तो ये प्रश्न है श्री परीक्षित महाराज का, तो वो श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। और इसी श्रेणी में श्री परीक्षित महाराज के द्वारा तीन बड़े ही विलक्षण और गंभीर श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत किए उन्होंने। ये श्लोक संख्या है 4, 5, 3, 4, 5। तीसरा श्लोक इस अध्याय का है कि रजो भी समलंकृतः पार्थवे एह जंतवः येषां ये केचन हन्ते श्रेयो वे मनुजादयः। बोल रहे हैं इस संसार में जो जीवों की संख्या है वो कितनी है, हजारों करोड़ों अरबों हैं, कोई गिनती नहीं है। रजो भी सम संख्याता, जितनी संख्या रेणुओं की है, धूल के कणों की है, उतनी ही संख्या में जीव व्याप्त हैं इस पूरी सृष्टि में, अर्थात असंख्य हैं। उनमें से तेसाम ये केचित एहंते श्रेयो वे मनुष्य आदया, उनमें से कुछ ही एक दो ऐसे होते हैं या कुछ ही मात्रा में ऐसे होते हैं, कुछ प्रतिशत ही ऐसे होते हैं मनुष्य जो भगवत भक्ति में रुचि दिखाते हैं। तो बोल रहे हैं तेसाम ये केचन, केचन मतलब कुछ लोग, एहंते, एहंते अर्थात प्रयास करते हैं किसके लिए, श्रेय, श्रेय अर्थात धर्म मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए कि अब मैं मनुष्य हूँ। तो जैसे प्रभुपाद जी ने सिखाया हमें कि चार नियम का हमें पालन करना चाहिए, तो इस तरीके से वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करोड़ों अरबों लोगों में से, करोड़ों अरबों नहीं बोलना चाहिए, जितने असंख्य लोग हैं उनमें से कुछ लोग भक्ति का प्रयास करते हैं, जैसे भगवद्गीता में कहा गया है मनुष्यानाम सहस्त्रेशु, है ना। तो कश्चिद इति सिद्ध है, तो सहस्त्रों मनुष्यों में, तो ये जीवों में मनुष्य हुए वो बहुत थोड़ी मात्रा में है, जैसे कि पूरे एक हेक्टेयर की भूमि में करोड़ों अरबों कीटाणु और चीटियां और अनेक जीव निकल आएंगे, लेकिन मनुष्य कितने होंगे, मुश्किल से 20-50। तो इस प्रकार से फिर बोल रहे हैं आगे वाले श्लोक में कि प्रायः मुमुक्षुभः तेषां केचन एव द्विजोत्तमा मुमुक्षुणां सहस्त्रेषु कश्चिन् मुच्येत सिद्ध्यति। तो बोल रहे हैं प्रायः मुमुक्षुभः तेषां, तेषां मतलब इतने सारे जो मनुष्य हैं उनमें प्रायः मुमुक्षुभः केचन, केचन शब्द यहाँ पे बड़ा गंभीरपूर्ण है। केचन जैसे केचित केवल या भक्ता वासुदेव परायणा, पहले हमने सुना है केचित केवल या भक्ता वासुदेव परायणा, तो जो वासुदेव परायण हैं वो बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं। अगर जैसे हम अपने ऊपर भी देखें तो हमें भगवत भक्ति का ज्ञान है, हम जब भी कर रहे हैं मंगल आरती में भी उपस्थित रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक भक्ति करने का प्रयास करते हैं, हमेशा ही भगवान की सेवा में नियुक्त हैं, फिर भी अगर हम देखें तो कभी जब विपत्ति आती है तो हमारा जो परायण है, आश्रय है, वो भगवान ना होकर कुछ अन्य हो जाता है। जैसे कभी
धन में कोई न्यूनता रह गई, धन में कोई कमी आ गई कि धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो हो सकता है हम भगवान के पास न जाकर किसी सेठ साहूकार के पास जाएं। कभी हमारे शरीर में कोई रोग व्याप्त हो गया तो हो सकता है कि हम भगवान को इतना आश्रय ना मानकर जो तथाकथित औषधि है या तथाकथित जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनके पास हम ज़्यादा आश्रय दिखाने लगे। माने यहाँ पे जो चर्चा है वो आश्रय की है। जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो भी औषधि का ही सेवन करेगा, लेकिन वो औषधि में भाव क्या रखते हैं कि ये श्री जी के द्वारा दी गई औषधि है, अगर वो चाहेंगी तो इसका सेवन करने से मैं निश्चित ही ठीक हो जाऊंगा। ये शुद्ध भक्तों का भाव रहता है। लेकिन जो नारायण परायण नहीं है, वासुदेव परायण नहीं है, उनका भाव क्या रहता है? उनका भाव रहता है कि ये दवाई मुझे ठीक करेगी। उसमें वो भगवत शक्ति का आवेश नहीं देखते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं उसी भाव को दिखाते हुए कि प्रायः मुमुक्षुवः तेषां केचन एव द्विजोत्तमः। यहाँ द्विजोत्तमः इस चौथे श्लोक में संबोधन है। फिर बोल रहे हैं कि मुमुक्षुणां सहस्त्रेषु कश्चिन् 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 मुच्येत सिद्धिति। तो कुछ ऐसे जो बहुत सारे लोग जो मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, जैसे एक होता है मुक्त जो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, एक होता है मुमुक्षु मतलब मुक्तुम इच्छति, जो मुक्ति के लिए इच्छा कर रहे हैं वो है मुमुक्षु। जैसे हम लोग हैं, यहाँ पे मुक्ति का मतलब ब्रह्मलीन होने का भाव नहीं लेना चाहिए केवल। मुक्ति अर्थात जो भगवत सेवा में जाना चाहते हैं, मुक्ति अर्थात इस भौतिक परिप्रेक्ष्य से मुक्त होना कि इस भौतिक जो क्लेश हमें जो व्याप्त है कि हम भौतिक आसक्ति बनाए हैं, इससे मुक्त होना। तो इससे जो मुक्ति की दशा दिखाई जाती है उसको कहा जाएगा, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको कहा जाएगा मुमुक्षु। जो मतलब श्रीधर स्वामीपाद ने इसके लिए शब्द दिया कि ग्रह आदि जो आसक्ति है उसको मैं त्याग दिखाना, इसको बोलेंगे मुमुक्षु, मुमुक्षुवः, मुमुक्षु। और इसी के जब व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है कि वो मुमुक्षुत्व दिखा रहा है कि अब मैं भौतिकता का त्याग करूंगा और भक्ति का अनुशीलन करूंगा, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। जैसे रेल की पटरी होती है तो दोनों के दोनों जो पहिए हैं दोनों तरफ के, वो दोनों रेल पर सदे हुए रहते हैं। अगर एक भी डगमग होता है तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। इसी प्रकार से जो भक्ति की गाड़ी है वो दोनों जो हमारे पहिए हैं कि एक तरफ भौतिक आसक्ति का नाश और दूसरी तरफ भगवान में आसक्ति होना, दोनों ही समानांतर चलती हैं। अगर भगवान में आसक्ति हो रही है तो कह सकते हैं कि भौतिकता में भी भौतिकता जो भौतिक आसक्ति है उसमें ह्रास हो रहा है, उसमें न्यूनता आ रही है। और दूसरी तरफ भी देखा जाए, अगर भौतिकता में भौतिक आसक्ति में अगर न्यूनता आ रही है, इसका मतलब कह सकते हैं सीधा सीधा कि ये भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं। दोनों एक ही पहलू हैं और दोनों एक साथ ही चलते हैं। भक्ति मार्ग के जो पथिक हैं वो दूसरी तरफ ज़्यादा बल देते हैं। वो ये नहीं बोलते कि ये त्यागो, ये त्यागो, ये त्यागो, नीति नीति पे वचन नहीं देते कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना, ऐसा कभी नहीं कहा जाता। इसमें क्या कहते हैं कि आपको ये कार्य करना है, आपको हरिनाम करना है, आपको श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, आपको केवल प्रसाद ही लेना है। तो ऐसा जो सकारात्मक उपाय हैं उसका अनुशीलन किया जाता है। जैसे कई लोग बताते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका सर्वप्रथम प्रचार के लिए गए थे और जब वो वहाँ के अमेरिका वासियों को भक्ति का प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने नीति नीति मार्ग नहीं अपनाया। उन्होंने क्या कहा कि आप आइए, बुधवार को हमारे यहाँ कथा होती है, आप इसको सुनिए, आप प्रसाद ग्रहण करिए, आप हरिनाम में रमिए, आप हरिनाम को आस्वादन करिए, हरिनाम को जपिए। तो इस तरीके से उन्होंने कीर्तन किया, उन्होंने प्रसाद दिया और उन्होंने सेवा की। प्रभुपाद जो बोलते थे वो कभी कभी सेवा भी कर देते थे। तो इस तरीके से उनको सदमार्ग में नियुक्त किया। तो उनका जो भौतिक आसक्ति थी या कह सकते हैं जो उनमें कुछ त्रुटिपूर्ण आचरण था कि वो नशे में धुत थे या फिर विषयासक्ति थी किसी भी प्रकार की, तो उससे वो अपने आप ही दूर हो गए। तो यहाँ पर जो मुमुक्षु शब्द है मतलब जो मुक्त होने की इच्छा होना, मुक्त होना चाह रहे हैं, उससे भी श्रेष्ठ कौन है? केचित उच्चेत सिद्धति। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो सिद्ध को प्राप्त होते हैं।
सिद्ध क्या अवस्था है? सिद्ध होना अर्थात कहलाता है कि तत्वज्ञ हो जाना। जैसे कि भागवतम का श्लोक है, भगवद्गीता का शायद, कि यो माम वेत्ति तत्वतः, क्या है शुरू का लाइन, जन्म कर्म चामे विद्यम यो मे वेत्ति तत्वतः, है ना, तो प्राप्तम जो भी सब लोग जानते हैं। तो जन्म कर्म चामे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः, तो तत्वतः भगवान को वास्तव में जानना पड़ता है। जैसे किसी ने कह दिया कि हाँ हम तो जान गए हैं कृष्ण को, कि कृष्ण ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, इतने सुंदर हैं, इतने उनके रूप हैं, इतने उनकी लीलाएं हैं, इस प्रकार से सुंदर सुंदर लीला हैं, सुंदर उनका आचरण है, सुंदर उनकी शीलता है। तो इस प्रकार से जो भगवान का तत्व है वो तत्व भी भक्त को अच्छी तरीके से जानना चाहिए, क्योंकि जब तक सिद्धांत पुष्ट नहीं होगा तब तक उसकी भक्ति में दृढ़ता नहीं आई। श्रील प्रभुपाद जी भी, जब कोई आप जितने भी तात्पर्य उठा के देखिए, जहाँ पे भी तत्व दर्शन विवेचन की बात आएगी वहाँ पे वो सीमित मात्रा में नहीं लिखते हैं, वो एकदम विपुल मात्रा में लिखते हैं, एकदम बड़े बड़े तात्पर्य उन्होंने लिख रहे हैं प्रस्तुत। इसका अर्थ ये होता है सभी आचार्य, श्रील प्रभुपाद हों या उससे ऊपर के जितने भी आचार्य हों, जहाँ पे भी तत्व विमर्श आएगा वहाँ पे एकदम उनकी लेखनी बड़ी हो जाएगी, बड़ा विचार प्रस्तुत करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जीव को भगवान को तत्वतः समझने का पूर्णतः प्रयास करना चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं दिखाना चाहिए, है ना। जैसे स्वतंत्रता में कहा गया है कि सिद्धांत बोले चित्ते करे ना आलस। कई बार लोग ऐसा तथाकथित जितने भी प्रश्नन अभी हो रहा है कथाओं का, उसमें केवल रसपूर्ण बात ज़्यादा कही जाती है कि जो सामान्य जनता को लुभावनी लगे, लेकिन तत्व विमर्श की जहाँ बात आती है उससे वो बच जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक सो सकती है। लेकिन इस पे हमें विचार नहीं रखना चाहिए, जितने भी प्रसंग प्रस्तुत करने वाले वक्ता हैं उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि सिद्धांत हमेशा ही पूर्ण रूप से प्रतिपादित होना चाहिए, क्योंकि जो भी भक्ति मार्ग है वो सिद्धांत के ऊपर टिका हुआ है, सिद्धांत उसके स्तंभ हैं। अगर स्तंभ में ही कहीं न्यूनता आ गई, उसमें कोई क्षीणता आ गई, तो फिर जो आगे की धरातल है, ऊपर के धरातल है, जो बिल्डिंग है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, बलवान नहीं रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं सिद्ध्यति, जो मुमुक्षु हैं, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और भौतिकता को त्यागना चाहते हैं, जब वो तत्वज्ञ हो जाते हैं, तत्वशील हो जाते हैं, तत्व का आत्मसात कर लेते हैं, भगवान को अच्छी तरीके से जान लेते हैं, अपनी स्थिति अच्छे से जान लेते हैं, ये प्रकृति क्या है उसको अच्छे तरीके से जान लेते हैं, काल क्या है उसको अच्छे से जान लेते हैं, ये जितने भी विषय हैं भगवद्गीता या श्रीमद् भागवतम के, उनको अच्छे से जानकर फिर भक्ति में प्रवृत्त होते हैं। आगे वाले श्लोक में कह रहे हैं पांचवा, ये एक प्रकार से निष्कर्षमय वाक्य है पांचवा जो है, आप चाहें तो इसका सभी ने पाठ कर ही लिया है, मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुर्लभा प्रशान्तात्मा कोटीशोऽपि महामुने। तो ये श्लोक एक प्रकार से निर्धारण श्लोक है, ये निर्धारण कर रहा है कि मुक्तों, जो मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु से श्रेष्ठ कौन है, जो मुक्त हो गए हैं, मुक्तों में भी मुक्त की एक कैटेगरी ऐसा कह सकते हैं जो सिद्ध स्थिति में आ गए हैं, सिद्ध मतलब जो तत्वज्ञ हो गए हैं, भगवान को तत्वतः जानते हैं, अपना अस्तित्व भी जानते हैं, इस प्रकृति भूमंडल ब्रह्मांड का अस्तित्व भी जानते हैं, भगवान के कालचक्र को भी जानते हैं, ऐसे तत्वज्ञ जो सिद्ध हैं। तो मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, मुक्तों से भी श्रेष्ठ कौन है, जो सिद्ध हो गए हैं, जो तत्वज्ञ हो गए हैं, कि प्रयास तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पूरी भीड़ की भीड़, अभी आप किसी भी मंदिर में जाइए हजारों लाखों लोग दर्शन करने आते हैं एक दिन में अपने यहाँ भी, लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं जो मुमुक्षु की ओर अग्रसर होते हैं, जिनको ज्ञान दिया जाता है, उनमें से भी कुछ होते हैं कि मुमुक्षु का प्रयास करते करते सिद्ध अवस्था में आते हैं, तत्वज्ञ हो जाते हैं, और तत्वज्ञ में भी उनमें से भी केचिन, है ना, सुदुर्लभा यहाँ पे शब्द आया है, दुर्लभ, दुर्लभ वस्तु ही कह दे अपने आप में परिपूर्ण है कहने के लिए कि भक्ति अति दुर्लभ है,
दुर्लभ है, लेकिन यहाँ पे क्या शब्द उपयोग किया गया विशेषण, सुदुर्लभा, सुदुर्लभा भक्ति। तो बोले मुक्ता नाम अभी सिद्धा नाम नारायण परायण, तो जो नारायण के परायण होके, नारायण अर्थात कृष्ण, कृष्ण के परायण होके जो भक्ति अनुशीलन किया जाता है ये सुदुर्लभा, ये कोई सामान्य भक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति में जब व्यक्ति आते हैं तो बहुत सारी भीड़ की भीड़ दिखती है, लेकिन जो भगवान को जानते हैं यानी सिद्ध होते हैं और उसमें भी नारायण परायण हो जाते हैं, कई लोग तत्त्वज्ञ होने के बाद भी या बोले कि ब्रह्म की स्थिति में भी आने पर भी, कि ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर भी, लेकिन वो नारायण परायण नहीं है। परायण किसके हैं? अपने तपोबल के। उनको लगता है ऐसा कि मैंने तपस्या की है, मैंने इतना तप किया है, मैंने इतना ज्ञान अर्जन किया है, मैंने ये विश्लेषण किया है, मैंने ये विचारशीलता उत्पन्न की है, तो इसलिए मुझे ये भगवान की प्राप्ति हुई है। तो उसमें भाव क्या रह गया कि मैं अहम, कि मेरे तपोबल के माध्यम से, तप के प्रभाव से मैंने भगवान को प्राप्त किया, तो ये भी बहुत बड़ी हानि है। जैसे कोई व्यक्ति कभी कभी जो भक्ति में भी अच्छा करते हैं कि 2 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, खूब संख्या में माला हो रही है, 3 लाख नाम, 2 लाख नाम, 1 लाख नाम कर रहे हैं, दिन भर सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी अगर उस व्यक्ति के अंदर ऐसा भाव है कि ये जितने भी कार्य किए जा रहे हैं ये मैं कर रहा हूँ, अहम भाव अगर पुष्ट हो रहा है, तो इतनी संख्या में किए जाने कार्य भी, कि भली लाख लाख नाम जप रहे हैं, 8-8 घंटे भागवतम पढ़ रहे हैं, दिन भर वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, दिन भर मंदिर मार्जनम कर रहे हैं, तो भी उस क्रिया के माध्यम से उतनी सिद्धि नहीं होगी, उतनी शुद्धि नहीं होगी उस जीव की जितनी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे भाव क्या है, मैं कर रहा हूं। इसके विपरीत विपक्ष में अगर कोई ऐसा जीव है जो इतना समर्थ नहीं है, क्योंकि उसका शरीर इतना साथ नहीं दे पाता है, तो भले ही वो 2 बजे ना उठ के 4 बजे ही जग रहा है या 5 बजे भी जग रहा है, लेकिन उसका भाव अगर ऐसा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इसमें मेरे वैष्णवों की कृपा है, ये वैष्णव मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं इसलिए मैं ये भागवत बोल पा रहा हूं, ये वैष्णव कृपा कर रहे हैं इसलिए मेरे मुख से हरिनाम निकल रहा है, ये आचार्यों की कृपा है कि मैं ये सेवा कर रहा हूं, नहीं तो मुझ में कोई बल है क्या? और ऐसी दीनता सदा सर्वदा आचार्यों में देखी जाती है। जितने भी लोगों ने टीकाएं लिखी हैं या कुछ प्रतिपादन या कोई पुस्तकें लिखी हैं तो देखिए उनमें कितनी दीनता व्याप्त है। श्रील प्रभुपाद जी जैसे कि चतुर्थ स्कंद में जब ध्रुव प्रसंग आता है और ध्रुव प्रसंग में जब वो चिंतित रहते हैं कि अरे ध्रुव का तो उद्धार हो गया, उनकी जो माता है सुनीति उनका उद्धार हुआ कि नहीं, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बड़ी ही अपनी दीनता प्रस्तुत की है। सभी ने देखा होगा कि कोई हमारे ऐसे शिष्य होंगे जो भगवत प्राप्त हो जाएंगे तो मुझको अब मेरे का मुझे भी वो उद्धार करेंगे, मेरा भी उद्धार कर देंगे। तो मतलब आचार्य, जबकि आचार्य है वो, है ना, जो ऐसे आचार्य जिन्होंने मलेच्छों में भी शुद्धा भक्ति प्रेषित कर दी, है ना। भारत में भक्ति के प्रचार करना बड़ा ही आसान है, लेकिन मलेच्छों को जो पूर्व देश पश्चिम देश के हैं, जो हमेशा ही भोग प्रवृत्ति में लिप्त हैं, उनको अगर भक्ति में कोई प्रवृत्त करा दे तो वो व्यक्ति वाकई वंदनीय है। लेकिन उनमें भी ऐसी दीनता देखी जाती है कि नहीं नहीं, कोई हमारा कोई एक अनुचर ऐसा आएगा जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा तो वो हमें भी मुक्त कर देगा, मुक्त कर देगा यानी हमें भी पार लगा देगा, हमें भी भगवत धाम ले जाएगा, तो ऐसी दीनता देखी जाती है। तो यहाँ पे ये आश्रय की बात है, इसका मतलब है ये आचार्य वैष्णव के आश्रित है, वो अपने ही गुरु के प्रति आगे आने वाले, जैसे चैतन्य चरितामृत में भी देखा जाता है, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब भी अध्याय की समाप्ति करेंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु से लेके जो इस ग्रंथ को चैतन्य चरितामृत को पढ़ रहा है, यानी हम जैसे लोग अभी इस काल के लोग जो उनके 500 साल बाद आए हैं उनको भी प्रणाम करते हैं, मगर उनमें भी उनकी ऐसी दृष्टि नहीं है कि मैं तो कोई उत्तम भक्त हूँ और जो आगे आने वाले भक्त हैं वो तो एक कनिष्ठ लोग हैं या मध्यम अधिकारी, ऐसा भाव नहीं है। उनमें भी उतनी ही आदर की भावना है उनकी,
तो ये आदर की भावना कहाँ से आती है? जब जीव नारायण परायण होता है। क्योंकि हम संख्या तो कर रहे हैं, हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, हम बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो अहंकार ही पुष्ट हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो आश्रय ले रखा है वो अपने अहम का ले रखा है, अपनी बुद्धि का ले लिया है, अपने बल का ले लिया, अपने विवेक का ले लिया है। इसके कारण हमें भगवान में जितनी श्रद्धा होनी चाहिए या भगवान के भक्तों में जितना आश्रय होना चाहिए वो उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत ही गंभीर श्लोक है। इसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पारद ने भी बड़े ही अद्भुत अद्भुत बातें लिखी हैं इस टीका में। वो कह रहे हैं कि चलिए मान लेते हैं कि मुक्ति है। वैसे अगर इसकी टीका अगर देखी जाए तो इसमें कहते हैं वो कि जो मुक्त अवस्था भी जो प्राप्त होती है वो भी कोई न्यून अवस्था नहीं है। जब व्यक्ति इस ब्रह्मांड के सातों आवरण को भेद कर ब्रह्म में जाता है तो वो भी कोई न्यून अवस्था नहीं होती, वो ब्रह्म प्राप्ति होती है। वास्तव में भगवान, परमात्मा और ब्रह्म ये एक ही वस्तु है, उनका प्रकाश अलग अलग है मात्र, ये समझ लेना चाहिए। जैसे कोई सभा है, जैसे यहाँ ये सत्र बैठा हुआ है, इस सत्र में कोई एक महान तेजस्वी ब्राह्मण या कोई योगी आए जिसके मस्तिष्क से एकदम प्रकाश पुंज निकल रहा है तो सब लोग कहेंगे अरे कोई सूर्य देव आ गए क्या, लगता है सूर्य ही स्वयं आ गए। तो केवल क्योंकि हमें प्रकाश दिख रहा है। लेकिन वो व्यक्ति थोड़ा और आगे आएगा तो उसकी एक मनुष्य आकृति प्रकट हो जाएगी तो हम कहेंगे नहीं नहीं ये कोई सूर्य नहीं, ये कोई मनुष्य ही है। या फिर उनकी जटा वगैरह अगर दिखी तो हो सकता है समझे कि कोई ऋषि है, ऋषिवर है, देवर्षि है। तो फिर और भी निकट आएंगे तब हम उनको पहचान पाएंगे, अरे ये तो आतोद वीणा लिए हुए नारद मुनि ही हैं। तो इस तरीके से तीन प्रकार के दर्शन प्राप्त हुए नारद मुनि के। एक तो प्रकाश स्वरूप से, एक थोड़े थोड़े मनुष्याकृति रूप से, और एक तीसरा एकदम प्रमाणिक रूप से कि हाँ ये तो नारद मुनि ही हैं। ठीक इसी प्रकार से जो भगवत साक्षात्कार भी होता है वो तीन स्तर पर हुआ करता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। एक ब्रह्म साक्षात्कार, एक परमात्मा साक्षात्कार और एक भगवत साक्षात्कार, जिसमें भगवान के चतुर्भुज या द्विभुज रूप में भक्त भगवान का दर्शन करता है। तो ये अलग अलग स्तर हैं। तो यहाँ पे जो बात आ रही है मुमुक्षुत्व की, तो चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं कि जो मुमुक्षुत्व भी जो प्राप्त होता है या फिर मुक्ति प्राप्त होती है वो भी भक्ति आश्रय से प्राप्त होती है। माने कोई ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी मतलब तत्वदर्शी, वो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, लेकिन उसको ब्रह्म में लीन होने के लिए भी ये जो भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति अर्थात नवधा भक्ति है ना, कि श्रवणम स्मरणम विष्णु स्मरणम, तो ये सारे जो नवधा भक्ति के अंग भक्ति कहलाते हैं स्पष्ट रूप से अगर कह दिया जाए तो उन ज्ञानियों को भी, उन योगियों को भी इस भक्ति का अनुशीलन करना पड़ता है अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे योगी गण परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं अंतर हृदय में तो उनको भी शुद्धा भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन वो शुद्धा भक्ति का आश्रय कैसे लेते हैं? जैसे कोई यहाँ से किसी स्थान पर दिल्ली जाने के लिए किसी यान का, कोई से भी यान का, कोई भी वाहन का इस्तेमाल करता है, तो इसी प्रकार से वो भक्ति का इस्तेमाल करते हैं अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार से योगी भक्ति का इस्तेमाल करते हैं अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, सिद्धि लाभ करने के लिए, वो भक्ति को छोड़ देते हैं फिर वो। तो भक्ति भी उनके लिए वैसा ही करती है, क्योंकि भगवान ने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजामि हम। क्योंकि वो भक्ति क्यों कर रहा है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो भक्ति उतना ही फल उसको देगी। जैसे कोई भक्ति मार्ग में इसलिए आया कि मुझे खूब सारा धन प्राप्त हो जाए, विपुल धन राशि प्राप्त हो जाए, तो भक्ति उसके लिए फिर यहां तक ही सीमित रहेगी। अगर कोई इसलिए आया कि मैं विश्वविख्यात हो जाऊं किसी भी कारण से, तो फिर भक्ति उसको ये फल देके फिर भक्ति गौण हो जाएगी। तो इसलिए भक्ति करने में हमेशा भाव यह रहना चाहिए कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? भगवान की प्राप्त संतुष्टि के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, वासुदेव परायणा, नारायण परायणा हेतु।
कि हम भगवान के ही होके रह जाएं, भगवान के ही आश्रित हो जाएं, ये भक्ति का मूल उद्देश्य होना चाहिए, ना कि हम भक्ति से कोई भौतिक वस्तु प्राप्त करें, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं सुदुर्लभा। तो इसलिए फिर चक्रवर्ती पाद ने भी कहा कि जो मुक्त जन हैं उनमें भी दो प्रकार की विवक्षाएं हैं, दो कैटेगरी हैं। एक तो है जो भक्ति को कैसे लेते हैं, आदर पूर्वक, और दूसरा है अनादर पूर्वक। तो जो अनादर पूर्वक भक्ति को ग्रहण करते हैं, जो मुमुक्षु जन या फिर जो सिद्धि लालसा के योगी हैं वो, तो जब भक्ति को अनादर पूर्वक मतलब, तो फिर उनको क्या प्राप्त होगी, फिर वो इसी ब्रह्मांड में अटके रह जाएंगे। तो फिर जो दसम स्कंद के द्वितीय अध्याय में जो श्लोक आता है कि ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः, इसमें जो विमुक्त मानिनः, इसमें विमुक्त नहीं बोला, क्या हुआ है, विमुक्त मानिनः। तो मानिनः शब्द क्या कह रहा है कि विमुक्त उन्होंने अपने आप को मान लिया है, मुक्त हुए नहीं। तो ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः, जो अन्य जन है जो भक्ति का अनुशीलन करते हुए दिख तो रहे हैं लेकिन है कैसे, उन्होंने भक्ति का आत्मसात भी किया है लेकिन किस भाव से, श्रद्धा पूर्वक नहीं, श्रद्धा पूर्वक उन्होंने भक्ति नहीं ली, या फिर बोलना चाहिए आदर पूर्वक उन्होंने भक्ति नहीं ली, केवल उसको यूज करेंगे यूज एंड थ्रो पॉलिसी है ना, कि किसी का उपयोग कर लिया और उसको छोड़ दिया, ये है। तो जब इस तरीके से भक्ति की जाएगी तब व्यक्ति इसी ब्रह्मांड में फंसा रह जाएगा। तो इसलिए ये श्लोक बोला गया है देवताओं के द्वारा भगवान की उपासना में कि ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यस्त भावादव शुद्ध बुद्धया आरोह कृच्छेण पदम पदम पगतः पतन्ति अधो अनादृत युष्मदांग्रयः। तो बोल रहे हैं कि त्वयि अस्त भावा अवशुद्ध बुद्धया, अवशुद्ध बुद्धया, उनकी जो बुद्धि है वो कैसी है, कलुषित है, इसलिए त्वयि अस्त भावा मतलब आपका जो वासना तो अभी कर रहे हैं भक्ति में लेकिन कैसे कर रहे हैं, अस्त भाव से, अस्त भाव यानी निकृष्ट भाव से। तो ऐसा अगर कोई भक्ति करता है तो क्या होता है, आरूह कृच्छेण पदम पदम, कृच्छेण यानी कष्टेन, बड़ा कष्ट से आरूह वो चढ़ते हैं, किस पर, परम पद। यहाँ पे जो परम शब्द है इसमें ना तो ब्रह्म ले सकते, ना परमात्मा ले सकते, ना भगवान ले सकते, क्योंकि ये भौतिकतावादी व्यक्ति हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पे जो परम है वो इसी ब्रह्मांड में जो परम पद है उससे लेना पड़ेगा। आप ब्रह्म को ले, ब्रह्मा का जो स्थान है उसको ले सकते हैं, पारमेष्ठी पद, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, इनको लिया जा सकता है, लेकिन इससे ब्रह्मांड से परे जो ब्रह्म है या फिर भगवान का जो लोक है उसको नहीं लिया जाएगा। तो आरोह कृच्छेण परम पदम गतः, परम पद को जाते तो हैं, यानी इसी ब्रह्मांड में कहीं पद पे चले जाते हैं, ब्रह्मा इत्यादि के लोक में चले जाते हैं, लेकिन पतंति अधः, फिर वहां से नीचे गिरते हैं। क्यों गिरते हैं, अनादृत युष्मत आंग्रेहा, तो कह रहे हैं क्योंकि उनके सामने भगवान उपस्थित हो गए हैं माता देवकी के गर्भ में, तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अनादृत युष्मत आंग्रेहा, क्योंकि आपके जो चरण कमल हैं उनका उन्होंने क्या किया है, अनादर किया है। यानी भक्ति के किसी भी अंग का अनादर भगवान का ही अनादर होता है। तो इस श्लोक के माध्यम से ये हम ठीक ठीक जान सकते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति को अश्रद्धा पूर्वक या कहें अनादर पूर्वक ग्रहण करते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, तो उनको भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसी लोक में कुछ पद प्राप्त हो सकता है लेकिन जो शुद्धा भक्ति का स्तर है वो उनको कभी प्राप्त नहीं होगा। शुद्धा भक्ति का स्तर प्राप्त कब होगा, ये प्रश्न उठता है कि भाई ठीक है, अच्छी बात है कि आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे शुद्धा भक्ति प्राप्त नहीं होती, तो दूसरा कारण भी प्राप्त पत्र होना चाहिए कि होती कैसे है। तो कह रहे हैं नारायण परायण होने के लिए दसम स्कंद के 14वें अध्याय में बड़ा ही सुंदर श्लोक, ज्ञाने प्रयास मदुपासन मन्ते वा जीवन्ति सन्मुखरताम भवदेय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी ये प्रायसो जित जितोपसितैस्ते लोक्याम। तो बोले कि ज्ञाने प्रयास उदुपास्य, भक्ति किसको प्राप्त हो रही है,
नारायण परायण भक्ति किसको प्राप्त हो रही है उसके लिए ये पूरा का पूरा श्लोक निहित है कि कैसे व्यक्ति को शुद्धा भक्ति जो नारायण परायण वैष्णव के परायण ऐसी भक्ति प्राप्त हो तो उसके लिए बोल रहे हैं ज्ञाने प्रयासम उदुपास्य कि ज्ञान के प्रयास को पहले आप छोड़ दीजिए। ज्ञान का प्रयास मतलब कि अपना बल अपना अहंकार कि मैं ज्ञानी हूँ मैं तपस्वी हूँ ये अहंकार छोड़ दीजिए और क्या करते हैं नमंत्येव अपने ज्ञान के प्रयास को छोड़कर जो नमंती आपको प्रणाम करते हैं जीवंती सन्मुखरताम भवदीय वार्ताम कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो बोल रहे हैं भवदीय वार्ताम सन्मुखरताम जो संत लोग हैं उनके मुख से निसृत जो भगवतमय वाणी है जो भगवान के द्वारा कही गई वाणी है या भक्तों की जो वाणी है उसके द्वारा ही उस वाणी के द्वारा ही वह अपना जीवन यापन करते हैं। जीवंती मतलब भगवत कथा का ही अपना जीवन बना के जो अपना जीवन जी रहे हैं ऐसे लोग क्या करते हैं और कैसी अवस्था में तो बोले स्थाने स्थितः स्थाने स्थितः यानी किसी भी अवस्था में चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ आश्रम में हो या वानप्रस्थ में हो या संन्यास आश्रम में हो किसी भी आश्रम में हो अपने ही स्थिति में रहते हुए जो भगवत वार्ता कर रहे हैं ऐसे श्रुतिगताम जो सुन रहे हैं तनु वांग मनु भी कैसे सुन रहे हैं तो यहाँ पे ये बड़ा ही विशेष शब्द है तनु वांग मनु भी शरीर से भी सुनना है जो कर्णेन्द्रिय इससे भी सुनना है वाणी से भी सुनना है और मन से भी सुनना है। अगर जैसे किसी ने बोला और अगर हमने उसमें मन नहीं दिया तो हमें सुनाई नहीं देता कोई सामने से निकल गया तो कोई पूछता है कि भाई कोई निकला क्या तो हम बोलते शायद पता नहीं क्योंकि हमारा मन वहाँ नहीं लगा था। तो जब तक भगवत भक्ति में मन नहीं लगेगा उसका उतना फल प्राप्त नहीं होगा। यद्यपि भगवान नाम भगवान स्मरण का फल है हमेशा ही लेकिन अगर मन अगर निवेशित हो गया तो उसका फल कितना होगा हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये प्रायशो अजित जितोपि तो ऐसी जो भक्ति करता है जिनका मन भी और वाणी भी और तन भी भगवान में हमेशा निवेशित है और उनकी कथा में ही जो निमज्जित हैं उनके द्वारा भगवान बिक जाते हैं तो अजिता जिता भगवान का एक नाम अजित है। तो वो अजित इन संतों के द्वारा इन भक्तों के द्वारा कैसे जीत लिए जाते हैं तैस त्रिलोक्याम इस पूरी सृष्टि में त्रिलोकी में केवल और कोई भगवान को नहीं जीत सकता केवल अजित को और कोई नहीं जीत सकता। कौन जीत सकता है जो शुद्धा भक्ति को पा सके जो भगवान की ऐसी अनन्य भक्ति कर रहे हैं कि ज्ञान के प्रयास को जिन्होंने पूर्णतया छोड़ दिया है योग के प्रयास को छोड़ दिया है अपना प्रयास छोड़ दिया है केवल भगवत भक्तों का जो कथामृत मुख से निस्सृत हो रहा है उसका आस्वादन कर रहे हैं वो व्यक्ति हमेशा भगवान के परायण रह सकता है अन्यत्र कोई नहीं। यहाँ पे समय पूर्ण होता है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया। हाँ नहीं आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये एक्चुअली एक प्रकार से अधूरी बात कही गई मेरे द्वारा कि केवल अपना प्रयास नहीं वास्तव में जैसे कि उखल बंधन जो लीला है उसमें दुई अंगल नूनन का भाव आचार्य लोग देते हैं वो ये है कि एक अपना प्रयास दूसरा भगवत कृपा केवल हमारे प्रयास से कुछ नहीं होगा लेकिन हमें प्रयास पूरा दिखाना पड़ेगा। ये वैसे आपने जो पूरा सार था पूरे कथा का वो आपने एक प्रकार से दिया है कि इससे ही काम नहीं हुआ जैसे कोई बोले अब कोई बैठ जाए कि मुझे जब हमारे उससे होने ही नहीं है तो हम इतना फिर जप मप क्यों करें फिर इतना सुबह सुबह उठने की जरूरत क्या है जब हमारे उस प्रयास से होने ही नहीं है जब भगवत कृपा से होने नहीं आपको अपना पूरा प्रयास दिखाना पड़ेगा। जैसे माँ का दूध स्तनपान करने के लिए बालक अपना पूरा प्रयास दिखाता है पूरा चिल्लाता है तब माँ उसको दूध पिलाती है ना इसी प्रकार से भगवान के भक्तों के ऊपर तब कृपा करते हैं जब वो पूरा दिखा देते हैं कि अब आपके अलावा और कोई नहीं है भाई मतलब आश्रय भगवान का है लेकिन प्रयास पूरा करा जाएगा लेकिन बुद्धि किस में रखी जाएगी कि आपकी कृपा से ही होगा हमारी प्रयास से कुछ नहीं होने वाला।
दिखाएगा पूरा, लेकिन कृपा वहां से अपेक्षित रहेगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।